वेलकम बैक। हमें तीन सवाल दिए गए हैं, इन तीनों को हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला सवाल पर ध्यान देते हैं। पहले सवाल में एक रिएक्शन देकर बोला गया है, अगर इलेक्ट्रोलाइसिस होता तो ये रिएक्शन किस इलेक्ट्रोड पर होता, एनोड पर होता या कैथोड पर होता। उसके बाद पूछा गया है, ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बन सकता है या रिडक्शन का। ठीक है, तो हम लोग क्या समझेंगे, ये एनोड पर हो रहा होगा। क्यों? एनोड इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। एनोड पर ऑक्सीडेशन होने का मतलब है कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होता है, ठीक है, और कैथोड पर कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है यानी रिड्यूस हो रहा होता है। तो यहाँ पर कॉपर एटम दो इलेक्ट्रॉन लूज करके क्यूप्रिक आयन बन रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब इसको एनोड के ऊपर होना चाहिए, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ये एक बेटर एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन का। ठीक है, तो इससे हमारे पहले सवाल का जवाब मिल गया, इस रिएक्शन को एनोड पर होना चाहिए और ये क्योंकि एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बन सकता है। ठीक है, आइए दूसरे सवाल को समझते हैं। कहा गया है एक सॉल्यूशन में ये तीन आयन हैं, मैग्नीशियम आयन, फेरस आयन और क्यूप्रिक आयन। अगर उस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास करवाया जाए इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, तो सबसे पहले इन आयन में से कौन कैथोड पर रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जाएगा, मतलब सब फर्स्ट कैथोड डिस्चार्ज इनमें से कौन सा आयन करेगा। तो ये इजी है, हम लोग बोलेंगे एक्टिविटी सीरीज के हिसाब से कॉपर का एक्टिविटी मैग्नीशियम और आयरन से कम है, कॉपर इज लेस एक्टिव देन मैग्नीशियम एंड आयरन, इसीलिए कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम और आयरन से कम है। ठीक है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे कम होता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम और आयरन से कम होता है, सो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम और आयरन से सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले मैग्नीशियम और आयरन के मुकाबले कॉपर सबसे पहले रिड्यूस करना चाहिए क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन लेगा, कॉपर लेगा। क्यूप्रिक आयन का रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर सबसे ज़्यादा होने की वजह से सबसे पहले क्यूप्रिक आयन कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड पर डिस्चार्ज हो जाएगा न्यूट्रल कॉपर एटम बनकर। ठीक है, क्यूप्रिक आयन कैथोड से दो इलेक्ट्रॉन लेकर कैथोड के ऊपर कॉपर बन के डिस्चार्ज हो गया या डिपॉजिट हो गया, और ये कैथोड का रिएक्शन है जो कि हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा गया है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड जो कि जनरल कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर का लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होने के बावजूद वो एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसा क्यों? तो हम लोग बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड अगर लिक्विड स्टेट में हो या फिर वाटर में भी डाल दिया जाए तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड
नहीं टूट पाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कोई पोलैरिटी नहीं है। सो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लिक्विड स्टेट में या फिर पानी में आयन्स के रूप में डिसोसिएट नहीं कर पाते या आयोनाइज नहीं हो पाते, वो लिक्विड स्टेट में या वाटर में मॉलिकुलर फॉर्म में ही रहते हैं। इसका मतलब लिक्विड स्टेट में CCl4 का कोई भी एलिमेंट्स का, कार्बन या क्लोरीन का आयन्स नहीं पाया जाएगा। तो इन प्रेजेंस, इन एब्सेंस ऑफ एनी आयन, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एन नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई भी आयन नहीं दे रहा है, इसीलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड लिक्विड स्टेट में नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। इसी के साथ हमारा यह सवाल सॉल्व होता है। थैंक यू।